जी। हाँ, 22 अगस्त और 23 अगस्त आज भी जश्न आज़ादी थी, और एंड पे मैंने कहा, मैं 22 अगस्त को कल दे रहा था, मगर मैंने कहा नहीं, कल ईद की ब्रीफिंग होगी थर्ड डे की, तो मैंने कहा आज बस लास्ट करके, आज 4 डे तो ईद होता नहीं है, मैंने कहा आज भी जश्न आज़ादी होती है, तो मैंने कहा आज मैं इस हवाले से ब्रीफिंग दे दूँ। बिल्कुल रवायती तरीके से बनाया, जैसे हर साल, इस साल तो मैंने टेलीविज़न के साथ बनाया, टीवी पे प्रोग्राम किया आपके साथ बिल्कुल यहाँ बैठकर, और आपको अब लम्हा बलम्हा आगाह करा, और यादें ताज़ा की, इसी तरीके से यादें ताज़ा होती हैं बल्कि इस गुफ्तगू से ही। अब मैंने तो कल का पूरा दिन सो के गुजारा, मैं उठा 10 बजे और जब से जाग रहा हूँ तो अभी तक जाग रहा हूँ, अभी 1 बजे है रात के, और 24 में 2 बज गए होंगे अब तो, 24 हो गई है अगस्त, अभी तक जाग रहा हूँ। तब मैं सोऊंगा, और मैं मुझे प्रोग्राम काफ़ी करने होते हैं, मगर ये है कि अगर मुझे नींद आ जाती है तो मुझे नींद आ जाए बस, और ये है कि हमने बिल्कुल सही तरीके से बिल्कुल बनाया, जिस तरह से बनाते हैं रेजोल्यूशन स्पीच, दुआ भी की, और अल्लाह ताला से अहद करता हूँ कि ये जश्न आज़ादी पे मैंने जितने काम किए हैं, अल्लाह मुझे उसमें सलामत रखे। मैंने न्यूज़ चैनल खोल दिए हैं बहुत सारे, और मैंने कहा है कि देखिए, जो मैं जिस मकसद में अल्लाह ताला निकल गया हूँ, इस मकसद की, इसकी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ जो हक की और सच्चाई की बात है, उस पर जो लगन की बात है, उस पर मैं निकल गया हूँ, तो अल्लाह उसको मुझे कामयाब करे, और मैं ऐद करता हूँ कि मैं अल्लाह ताला का नाफरमान नहीं बनूंगा, अल्लाह ताला का ऐद कभी नहीं तोड़ूंगा। मैं इस बारे में टेलीविज़न पे गुफ्तगू नहीं कर सकता शादी और उस शादी के हवाले से, और मैं उस पर गुफ्तगू यहाँ बैठ के नहीं कर सकता, ना मैं इस पर कोई प्रोग्राम करना चाहता हूँ।